हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजन मेडिटेक एंड आई एम रविंदर पाठक। गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनएमसी लेटेस्ट अपडेट फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। एक्चुअली गाइस, पहले होता क्या था कि वो स्टूडेंट जो एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से करने की प्लानिंग करते थे, तो सबसे पहले वो ये चेक करते थे कि जिस यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या वो एमसीआई अप्रूव्ड है और नहीं है। क्योंकि अभी से पहले तक अगर एमसीआई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी नहीं होती थी और अगर आप उसमें एडमिशन लेते थे तो आप इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल नहीं होते थे। लेकिन लेटेस्ट अपडेट जो एनएमसी की है, उन्होंने कोई भी ऐसी लिस्ट अपनी वेबसाइट पे, एनएमसी की वेबसाइट पे मेंशन नहीं की है कि आप इस यूनिवर्सिटी में जाए या नहीं जाए, जैसे कि एमसीआई की वेबसाइट पे होती थी। एमसीआई की वेबसाइट पे जितनी भी एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होती थी उसकी एक लिस्ट होती थी, जहां से आप लोग इजीली चेक करके ये कंफर्म कर लेते थे कि क्या ये यूनिवर्सिटी एमसीआई अप्रूव्ड है और नहीं है। एज नाउ गाइस, अभी एनएमसी ने रिप्लेस कर दिया है एमसीआई को, और लेटेस्ट अपडेट जो एनएमसी की है, एनएमसी ने ऐसा लेटेस्ट अपडेट दिया है कि अगर कोई भी बच्चा एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से करने की प्लानिंग कर रहा है तो वो कोई भी ऐसी लिस्ट अपनी वेबसाइट पे मेंशन नहीं करेगी जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि आपने इस यूनिवर्सिटी में जाना है और ये यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है एनएमसी से और इसके बाद ही आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि एमसीआई के साथ था। ऐसा कुछ नहीं है। अब से अकॉर्डिंग टू एनएमसी, अगर आप किसी भी कंट्री के मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो वो मेडिकल यूनिवर्सिटी उस कंट्री की रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी हो। इसके अलावा उस मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो भी क्राइटेरिया है, पैरामीटर्स हैं, उसको आप मीट कर रहे हो। इसके अलावा नीट क्वालिफाई होना मैंडेटरी है आपका, अगर आपने कम बैक होकर इंडिया में प्रैक्टिस करना है। तो अब आप सिर्फ ये देखना है आपने कि जिस भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं वो उस कंट्री की रिकॉग्नाइज मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, उसके क्राइटेरिया और पैरामीटर पे आप मीट कर रहे हो और आप नीट क्वालिफाई हो। तो गाइस, ये थी जो लेटेस्ट अपडेट है एनएमसी का। अब मैं कुछ आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि होता क्या था अभी तक। एमसीआई की वेबसाइट पे ऑलमोस्ट 500 मेडिकल यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड थी, और जिसमें अगर मैं देख रहा हूं तो उसमें सिर्फ ऐसी 50 मेडिकल यूनिवर्सिटीज थी जिसमें आप लोग स्टडी हैसल फ्री कर सकते थे। बिकॉज काफी सारी मेडिकल यूनिवर्सिटी ऐसी भी थी जो बायलिंगुअल है या फिर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, हॉस्टल्स नहीं अच्छे हैं, एजुकेशन क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसके बावजूद भी बच्चे उसमें एडमिशन ले रहे थे बिकॉज की वो एमसीआई के लिस्ट में है। और कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटी ऐसी थी जो काफी अच्छी थी, इंग्लिश मीडियम थी और एजुकेशन क्वालिटी भी काफी अच्छी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा था, लेकिन उसमें बच्चे नहीं जा पा रहे थे बिकॉज की वो एमसीआई की लिस्ट में नहीं थी। पर अब ऐसा कोई कुछ है नहीं कि एमसीआई की लिस्ट में है या नहीं है, क्योंकि अब एनएमसी है और एनएमसी ने साफ मना कर दिया, जहां आपने जाना है जाइए, बस नीट क्वालिफाई करके जाइए इंडिया से। इसके अलावा अगर गाइस आप लोग ये सोच रहे हैं कि आपका फ्यूचर प्लान ऐसा होता है कि आपने फ्यूचर में यूएसएमएलई करना है या यूके पीलैब करना है, पीजी इन जर्मनी करना है, मतलब अदर कंट्री से कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट करना है आपने या प्रैक्टिस करना है, तब आपको ये देखना होगा कि आप जिस भी कंट्री से फ्यूचर में प्रैक्टिस करने की सोच रहे हैं क्या उस कंट्री से वो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। लाइक कि अगर आपने यूएसएमएलई करना है तो WHO ECFMG रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, और WHO और ECFMG रिकॉग्नाइजेशन है या नहीं है उस यूनिवर्सिटी का, ये आप वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं इजीली। तो इसके अलावा गाइस, मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अब से अगर आप किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं 2021 में, तो आप ये जरूर देखें कि जिस भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं वो यूनिवर्सिटी में एजुकेशन क्वालिटी काफी अच्छी हो। आप लोग लो ट्यूशन फीस के चक्कर में कोई ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज ना करें जहां पे एजुकेशन क्वालिटी अच्छी नहीं है, बिकॉज गाइस जब आप लोग रिटर्न होंगे तो आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना है और नेक्स्ट का एग्जाम काफी हार्ड होने वाला है एज कम्पेयर टू एमसीआई एग्जाम। इसलिए गाइस आप लोग वो यूनिवर्सिटी चूज करो जहां आप लोगों को नेक्स्ट की कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हो, सो दैट आप जब इंडिया रिटर्न हो तो इजिली नेक्स्ट का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें और एग्जाम क्वालिफाई ना करें बल्कि मेरिट में आए, सो दैट पीजी की सीट्स भी आपको आसानी से मिले। इसके अलावा गाइस, अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेरी है एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड या आप एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड में करने की प्लानिंग करें और एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हम ये बोजन मेडिटेक को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प करेंगे एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करने में, सो दैट आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिले और आपका जो मेडिसिन का करियर है, ड्रीम है, वो हैसल फ्री फुलफिल हो। इसके अलावा गाइस कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।